यूपी के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 5 साल की मासूम बच्ची को पहले गोद लिया गया, फिर मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद बच्ची की हत्या का भी प्रयास किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के सेमरा लक्ष्मीपुर की है, जहां पिछले 1 साल से एक मासूम बच्ची को रोजाना तालिबानी सजा दी जा रही थी। इस पूरी घटना का वीडियो पड़ोसी ने बनाया था। जानकारी के मुताबिक महिला की कोई संतान नहीं थी। वह 1 साल पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण के गांव पिपरिया के रहने वाले अपने रिश्तेदार मोहम्मद आलम से इस बच्ची को गोद लिया था। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर से संवाददाता अनुराग रंजन की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कुबेर स्थान पर एक गोद ली हुई बच्ची को उसकी महिला परिजन के द्वारा पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।